नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सचिन और आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक होने वाली है। आज हम बनाएंगे कद्दू के फूल के पकौड़े। जी हाँ, कद्दू के फूल के पकौड़े बनाएंगे। हम इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। तो इस पकौड़े को बनाने के लिए हमें कद्दू के फूल यानी कि पम्पकिन के फूल चाहिए। तो आप इसे अच्छे से अंदर से साफ़ कर लें और इसके बाहरी परत को इसे निकाल दें और यहाँ से आप इसे काट लें। इसे आप बिल्कुल निकाल देना और यहाँ से कट कर लेना। यहाँ पे इसकी फली होती है, आपको वो नहीं चाहिए, इस तरीके का प्लेन फूल ही चाहिए। तो यहाँ पे है मेरे पास पानी और इसे मैं इस पानी में फूल को डुबा दूँगा। इसे डुबा के मैं इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगा। मैं इसे 5 मिनट के लिए इसमें छोड़ दूँगा, जिससे कि इसके अंदर कि जो भी इम्प्योरिटी है, जो भी गंदगी है वो निकल जाए, फिर हम इसे यूज़ करेंगे। तब तक हम बैटर को बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बेसन। बेसन को हम ले लेंगे और बेसन को लेने के बाद हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। ये पकौड़ा जो होता है ये काफ़ी टेस्टी होता है, लेकिन ये अंदर से थोड़ा सा नरम हो जाता है, इसलिए हम चावल का आटा डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ी अजवाइन और थोड़ा हल्दी डाल दिया है, साथ में हमने डाला है इसमें नमक और यहाँ पे अदरक लहसुन और मिर्च का हम पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे और इन सब चीज़ों को हम पानी की मदद से एक गाढ़ा घोल बनाएंगे। हमें काफ़ी गाढ़ा घोल चाहिए इसके लिए, जिससे कि जब हम फूल को इसमें डिप करें तो वो अच्छी तरह से कवर हो जाए और उसकी एक परत, एक अच्छी मोटी परत बन जाए। तो जब हम कढ़ाई में इसे फ्राई करेंगे तो इसका जो फूल का मॉइस्चर होगा, वो जो पानी होगा, वो कढ़ाई में आएगा नहीं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसका गाढ़ा बैटर चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए विस्कर की मदद से एक ही तरीके से चलाएंगे, हम एक ही तरफ से चलाएंगे और इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे कि लम्स नहीं बनेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बैटर गाढ़ा बने। तो बैटर को बना लेने के बाद हम इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे 15 मिनट के लिए। तो आपको इसे 1 मिनट तक चलाना है, अच्छी तरीके से विस्क करना है और आपको ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए, ये ड्रॉप ड्रॉप करके गिरना चाहिए, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब हम इन फूलों को साफ़ करेंगे। तो इसकी ये जो बाहरी परत है हम इसे निकाल देंगे, बाहरी परत को निकाल देंगे और निचला जो भाग है इसका उसे भी हम निकाल देंगे। तो आप इसे पूरा नहीं काटें, जिस तरीके से मैं इसे कट कर रहा हूँ आप उसे इसी तरीके से कट करिएगा। तो ये मैंने इसे नीचे से भी कट कर दिया। अब ये जो बाकी हिस्सा है ये खाने लायक है, तो इसे पूरा खाया जा सकता है। अब इसमें क्या करना है कि हमें इस फूल को थोड़ा सा सुखा लेना है, इसके अंदर की जितनी भी पानी है उसे निकाल लेना है, जिससे कि ये जब बैटर में जाए तो बैटर हमारा और गीला ना हो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि कढ़ाई को हम गर्म करेंगे, तेल कढ़ाई का गर्म करेंगे, उसके बाद इस फूल को इस तरीके से डिप करेंगे। अच्छी तरीके से इसे डिप कर लेने के बाद थोड़ा सा जो एक्सेस बैटर है उसे हम निकाल लेंगे और उसके बाद इसे मीडियम हीट पे, जो हमने कढ़ाई गर्म की है उस तेल में हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में तेल है, मीडियम हीट पे हमने तेल को गर्म किया है। अब हम इसे डाल देंगे और डालने के बाद इसे हम कुछ देर बाद पलट देंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है। थोड़ी देर बाद हम इसे पलट देंगे। इस पकौड़े को फ्राई होने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा और हमारा पकौड़ा बनके तैयार होगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इस सीज़न में आपको कद्दू के फूल बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सारे इंग्रेडिएंट मैंने बताए हैं, आप उसे ज़रूर ट्राई करिएगा, उसे ज़रूर यूज़ करिएगा। चावल का आटा इस रेसिपी में आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जब हम इस पकौड़े को कढ़ाई से बाहर निकालेंगे और इसके जो पानी निकलेगा इस फूल से, उससे थोड़ा सा हमारा जो है कि पकौड़ा वो नरम हो जाएगा, इसलिए चावल का आटा आप ज़रूर डालिएगा। हमारा पकौड़ा बनके तैयार है।
तो आप इस पकौड़े को टी टाइम में अदर स्नैक्स ले सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।